डियर व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे पास हमारे एक पेशेंट आए हैं। इनका नाम है मिस्टर अर्जुन मुडी और 28 साल के हैं और ये बंगाल से आए हैं। इनको जॉन्डिस हो गया था अब से एक महीना पहले, और जॉन्डिस जब इन्होंने कराया तो ये वहाँ पर एडमिट हुए हॉस्पिटल में। वहाँ इनका सीरम ग्लोबुलिन 9 था, उसके बाद इनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। लेकिन ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद 9 से इनका बढ़ गया और टोटल सीरम ग्लोबुलिन इनका 17.85 मिलीग्राम हो गया। तो ये मर्ज चूँकि बढ़ रहा था, इनको फिकर हुई और उस वक्त इनका SGOT 7782 था, SGPT 797 था और एल्कलाइन फास्फेट 151 था इनका, और टोटल प्रोटीन 7.15 था और एल्बुमिन 3.2 था। लेकिन जब इनका वहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और परेशानी बढ़ती गई तो इन्होंने यूट्यूब पर हमारा देखा और फिर ये दिल्ली आए, और दिल्ली में इन्होंने जो है हमें 10/7/23 को दिखाया था, यानी अब से 10-20 दिन पहले, और उसके बाद हमने इनको ट्रीटमेंट लिखा। लेकिन अब इन्होंने 23/7/23 को, यानी तकरीबन 13 दिन के बाद में ये टेस्ट कराया, तो टेस्ट कराने के बाद में अब ये 17.85 से सीरम ग्लोबुलिन 11.46 रह गया और SGOT 782 से 99 रह गया और SGPT 797 से 107 रह गया, 797 से 107, एल्कलाइन फास्फेटेज 151 से 117 रह गया, और टोटल प्रोटीन जो 7.15 था वो बढ़ गया, 7.7 हो गया। ये भी इम्प्रूवमेंट की अलामत है, फीचर्स है, और एल्बो भी 3.62 था और अब 3.80 हो गया। तो लीवर फंक्शन इम्प्रूव हो गए, जॉन्डिस कम हो गया, और जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि पहले इनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगती थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी इनको, और भूख भी, तो पहले से जॉन्डिस भी कम हो गया, भूख बढ़ गई है, जनरल वीकनेस कम हो गई है, यूरिन डार्क येलो था तो अब वो हल्का हो गया है और स्टूल भी ठीक हो गया। बाकी आपको ये खुद बता देंगे कि इनको यूनानी ट्रीटमेंट देने से कितना आराम होगा। जी बताइए आप। पहले से आराम है, अभी पहले भूख नहीं लगता था, अभी भूख लगता है और चलने फिरने से भी मेरा कोई तकलीफ नहीं है अभी, और मेरा पेशाब आँखी और बंद है, पेशाब अभी क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत रह गया और आँख थोड़ा है, यूनानी दवा खाने के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, हम इसलिए बताते हैं कि ये कम पैसों में अच्छा ट्रीटमेंट पेशेंट्स को मिल जाए और पेशेंट की बीमारी दूर हो जाए, सेहत मिल जाए, ये इंसान के लिए सबसे बड़ा नफ़े की चीज़ है कि हमसे दूसरों को फ़ायदा पहुंचे और दूसरों की तकलीफ दूर करने का हम जरिया बन जाए। थैंक यू सो मच।